दोस्तों अक्सर ब्रेकफास्ट में सभी लोग सोचते हैं कुछ हेल्दी सा ऑप्शन हो, तो ये रेसिपी जो मैं आपके लिए लाई हूँ ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ही डिलीशियस। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है ये रेसिपी। दोस्तों ये हेल्दी रेसिपी आई है गुजरात से, तो आज हम बना रहे हैं गुजराती मुठिया। गुजरात की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे इस हेल्दी ऑप्शन से, यानी कि लौकी से। तो लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरह से, जो मोटा वाला साइड होता है ना वहाँ से हमने इसको ग्रेट किया है। और इसको थोड़ा सा मैं चम्मच से इस तरह चला रही हूँ। और इसके बाद अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है, तो इससे ये जो हम रेसिपी बनाते हैं थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ये ओट्स, क्योंकि दोस्तों इसमें गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा वाला लगता है और वो आटा तो आमतौर पे घर में यूज़ नहीं होता, इसलिए हम ओट्स मिक्स करेंगे इसमें और साथ में मिक्स करेंगे थोड़ा सा बेसन। तो जो हमने ओट्स मिक्स किए ना उससे थोड़ा सा दरदरापन इसमें आ जाएगा और मोटे आटे की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर नमक और मिर्च हमने ऐड कर दिया है और साथ में ये कटी हुई हरी मिर्च है छोटी छोटी कट कर ली है, इसको ऐड कर देंगे। ये देगा इसको एक तीखापन। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अच्छी तरह से इसलिए चला देंगे ताकि नमक मिर्च और जितने भी इसमें हमने चीज़ें ऐड की हैं वो हर तरफ एक से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे जो इसको हल्का सा एक मोयन देगा। और लौकी का हमने वैसे तो पानी निचोड़ लिया था, स्क्वीज़ करके अलग कर दिया था, उसके बावजूद भी लौकी काफ़ी गीली होती है अपनी लेवल पर, तो हमें इसमें देखिए पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना पड़ा। हाथ से हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी और एक ये मिक्सचर हो गया रेडी। यहाँ पर एक जाली ली है और इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। हर तरफ हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। एक बड़े से भगोने में पानी रख दिया है बॉयल होने, और इस तरह से जो मिक्सचर बनाया था उसकी ओवल शेप की मुठिया बनाकर जाली पर रख दिया और उसे कवर कर दिया है लिड से। इसको हम स्टीम करेंगे करीब 10 से 12 मिनट। तो आइए चेक करते हैं, एक नाइफ या टूथपिक की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। अगर ये ड्राई निकलता है इट मीन्स ये कुक हो चुकी है। तो 10-12 मिनट इसमें लगते हैं कुक होने में। इसके बाद इसको हम उतार लेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो हमने अभी इसको एक प्लेट पर रख दिया है, नीचे से ये गीला भी था, स्टीम क्रिएट हुई थी इसमें। आप देख सकते हैं ये मुठिया हमारी स्टीम हो चुकी है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको मेथी की मुठिया और वेजिटेबल मुठिया की रेसिपी अपने चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं। मैं उसको दोबारा से आई बटन पे डाल रही हूँ, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये मुठिया ठंडी होने के लिए रख दी थी, एक तरफ से मैंने इसको उलट भी दिया था ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, ड्राई हो जाए और जब हम इसे कट करें तो ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। थोड़ा सा हवा में मैंने इसको रख दिया था और अब इसके मैं पीस काट रही हूँ। तो 1-1.5 इंच वाले पीस हम इसके कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत सॉफ्ट रेसिपी बनती है और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसको हमने स्टीम कुक किया है। तो ये सारे मुठिया के पीसेस कट चुके हैं। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स अपनी चॉइस की इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें हमने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं। जैसे ये क्रैकल होंगे हम ऐड करेंगे ये हरी मिर्चें, करी पत्ते और यहाँ पर हम सफ़ेद ब्लड तिल यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें तिल डाल दिया है और मैंने 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी देगी इसको एक बहुत प्यारा सा कलर, और हल्दी भी एक हेल्दी स्पाइस में आती है। तो अब ये मुठिया इसमें ऐड कर देंगे
और अभी से करेंगे फ्राई। इसको अच्छी तरह से भूनना है। अभी मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी और ये कम आंच पर धीरे धीरे पकता रहेगा और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगा। हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर रखा है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और उसके बाद इसको टर्न कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी क्रिस्पी हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये स्पॉट्स आ चुके हैं इसके ऊपर, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों कितनी आसान सी रेसिपी है ना, बहुत ही कम चीज़ों से बनी है और बहुत हेल्दी है। किसी वक्त बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में आप इसको बना सकते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना सकते हैं। तो धनिया पत्ती से कर दिया है गार्निश और इसके साथ ये हरी चटनी और साथ में टमाटो सॉस, सच में मज़ा आ जाएगा। तो बनाइए इस हेल्दी सी रेसिपी को। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो आगे फिर मिलेंगे और भी रेसिपीज के साथ। टिल देन गुड बाय।